एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है, शुरुआत खासतौर पर इसलिए कि बैरिज से ऊपर काला माउंटन थोड़ वगैरह ये बहुत खूबसूरत इलाके। इस खूबसूरती की वजह ये कि दो दरिया, दरिया दराल जो अभी सूखा हुआ एक नाला है, दरिया सवार। अब आप देखते हैं कि ये हमारे बच्चे सुबह शाम उठते हैं इस दरिया को देखते हैं, बदुआएं देते हैं पेड़ों को और उनके ऑफिसरों को, उनकी नस्लों को। कल परसों मैंने शेर की मैंने बदुआएं दी, एक जो पिछले ये उससे बह रहा था दरिया और एक जो अभी इसकी जो पोजीशन है, ये दोनों तस्वीरें मैंने देखी, बहुत बड़ी एक बदुआ लिखी है, हजारों लोगों ने उस पर अमीन कहा हुआ है, तो अभी भी लोग बदुआएं देते हैं। अब उनकी नजर किस पे है, ये तो सूख गया, ये हमारी गलती के लिए उस टाइम अगर हमारी आवाम उड़ जाती, इन्होंने सब बाग दिखाया 5 साल से ये चालू हालात में अरबों रुपए कमा रहा है, ये हमारी 2 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू बनती है, 5 साल से पैसा नहीं दिया, ना इस इलाके पे लगाया गया, ना जो इन्होंने वादो वायद किए थे उस पर अमल हुआ है, ना और तो छोड़े मजी की बात है कि वाहिद पाकिस्तान में सबसे अच्छा इलाका जो है, सोबर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्वाद के 100% बिल देते हैं बिजली का, ये तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, लोड शेडिंग यहाँ पर है, अभी भी लोड शेडिंग है, लाइट नहीं, हम बिजली बना रहे हैं 50 पैसे यूनिट, हमें वो बिल लिए 50 रुपये यूनिट, तो ये ज्यादती है। तो अब मजीद इस ज्यादती के लिए आवाम तैयार हुई, पाकिस्तान के इदारे सब भेड़ी हैं, गई है आवाम को भेड़ समझती है, खुद भेड़ी है, खून चूस रहे हैं इनका। अभी यहाँ से बिजली बनती है वो हमारे वसाइल पर जो है नीचे बदे कर रहे हैं वो लोग, कारखानों में बिजली चोरी होती है, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं उनकी बिजली फ्री है, सारे मराब फ्री है, हमारे यहाँ के रोजगार थे टूरिज्म पर 5% हमारा इंसान इस पे था, टूरिज्म मुकम्मल, अभी ये दराल की वजह से बैरिंग मीन दो दरियों का संगम आर्मी का अलग से एक संगम खत्म हो गया, बैरिंग का नाम व निशान खत्म हो गया, अब वो तुले हुए दरिया है स्वाद पर। अब ये बताएं इसको केदाम से टनल में डाइवर्ट किया जाए और मदीन से इसको निकाला जाए, मुकम्मल सूख गया ये दरिया। एक तो यहाँ का मौसम अच्छा होता है, बैरिंग को लोग पसंद करते हैं, यहाँ वो रिहायश पजीर होते हैं, नीचे से लोग आते हैं, 450 मकान यहाँ रेंट पे जाते हैं 2-3 महीने के लिए, लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ रहते हैं। अब मेरे अपने होटल हैं यहाँ पर, खाली पड़े हैं होटल, काला में हमने बंद किए, यहाँ होटल है तनख्वाही दे रहे हैं, टूरिस्ट नहीं, पहले इतने टूरिस्ट होते थे, अब पुराने रिकॉर्ड देखे उसकी। अब पाकिस्तान के इदारे जो है सबसे बड़ा इदारा जो है, हम ये कहेंगे अभी एक आप तो इसको देख रहे हैं कि ये दरिया हमारे सूख गए, अब ये ऊपर ये हमारे जो रास्ते हैं इसके ऊपर इन्होंने निशाने लगाए हुए हैं, पाकिस्तान सर्वे के नाम से एक नया एक लूटमार का तमाशा मचाया हुआ है इन लोगों ने, कि ये सरकारी जमीन है, ये याबिस्तान था, हम पाकिस्तान में भी शामिल 1971 में हुए, 47 में बना, 71 में शामिल हुए, ये अपना यहाँ की कवानी, उसके बाद पहले याबिस्तान था, उसके बाद रियासतें स्वात में जम हुए, उसके बाद वाले स्वात में इस इलाके का ख्याल खसूसी रखा गया, इसकी खसूसी अहमियत थी यहाँ की। तो अब ये इदारे आ गए, ये नीचे रास्ते से ऊपर पाकिस्तान सर्वे वाले हड़प कर रहे, कल कर्नल ब्रिगेडियर जनरल रिटायर होंगे, 10-10 करार देंगे, ये रोड जाएंगे इस तरह हमारी प्रभाव में, आप देखें हजारे के पहाड़ों में एक जमाना होगा पहाड़ों पे रोड होंगे, इनको अभी इनकी नीयत खराब है, ये हजम करना चाहते हैं, नीचे उस रास्ते से नीचे इरिगेशन वाले दरिया तक दावेदार है। अब हमें हमारे कब्रिस्तान और हमारे घर की चारदीवारी रह गई है, जहां तक कि ये हजारों सालों से हमारे आबाओ अजदाद कबल इस्लाम यहाँ आबाद है, यहाँ के लोग हैं। अब ये बताएं कि ये ज्यादा वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है ये प्रोजेक्ट, फर्ज करो अभी जैसे दराल प्रोजेक्ट था ये ज्यादा से ज्यादा 9-10 अरब का था, उन्होंने इसको 45 अरब तक ले गए, वो पैसे भी ज्यादा देते हैं कि इसको आप इसकी लेंथ लंबी करो। अब ये दराल इसको आप यहां से केदाम से लाके इसको आप बासमाबाद पर दोबारा इसमें डाल सकते हैं, वही बिजली बन सकती है, पीछे से थोड़ी हाइट दे दें इसको, मगर नहीं उनको चाहिए कि इस कौम को गुलाम रखना है, इनको इतने पैसे देने कि भाई ये एक की जगह 200 लगाए, हमारा इनके ऊपर कर्ज बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा सूद बढ़ेगा, वो डिजाइनिंग भी ऐसी करते हैं। तो ये कि सबसे अभी हमारा पाकिस्तान की ये तो यहाँ इदारे मुर्दार है,